क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं। वहीं इस मामले में समीर वानखेड़े ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में कहा है कि क्रूज ड्रग्स केस में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उनके परिवार को भी टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह जांच के लिए तैयार हैं। केस में दो एफिडेविट फाइल किए गए हैं जिसमें एक एनसीबी ने और दूसरी वानखेड़े ने दायर की है। दरअसल एनसीबी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को बहन जैस्मीन वानखेड़े और फ्लेचर पटेल नाम के एक शख्स की तस्वीर को लेकर आरोप लगाया था कि फ्लेचर पटेल वैसे तो जैस्मीन वानखेड़े के मुंहबोला भाई है, लेकिन वो एनसीबी के कई मामलों में पंच विटनेस क्यों होता है। मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स के फर्जी मामलों में सेलिब्रिटीज को फंसाया और फिर उनसे जबरन वसूली की कोशिश की। फिलहाल इस मामले की जांच को लेकर डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में। अभी जांच शुरू होनी है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। थैंक यू सर। सर कल प्रेस नोट जारी करा और बोला कि विजिलेंस जांच करवाई जाएगी, डीजी सर को भेजा गया है। आप सर चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, इन आरोपों पे किस तरह की जांच होगी सर? महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है, उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पर एक इंक्वायरी मांग की है जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया, उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। फर्जी केसेस बनाना, लोगों से बड़े पैमाने पे पैसा वसूल करना, वो पैसा बिल्डरों के पास पार्क कर देना। कुछ बिल्डर इनकी नई पत्नी के कंपनी में पैसा डालते हैं, हवाले से पैसा भेजा जाता है। एक काला अध्याय जो शुरू हुआ था, हमने पहले कहा था इनका काला अध्याय यहीं से शुरू हुआ है। और जो व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेता है वो अपराइट ऑफिसर का दावा करता है। ये बड़े पैमाने पे इन्होंने बोगस केसेस बनाए, लोगों को डराया, पैसे वसूल किया। और हमारी लड़ाई कोई एनसीबी से नहीं, एक व्यक्ति जो सरकारी नौकर रह के दहशत पैदा करे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा करने का काम किया जा रहा है नवाब मलिक के द्वारा, और अब तो यहां तक कि एक सर्टिफिकेट भी सामने लाया गया है जिसमें बताया गया है कि नवाब मलिक ने यह बात कहा है कि दरअसल समीर वानखेड़े की माता मुस्लिम थी और उनका समीर वानखेड़े का नाम बताया गया उसमें कि उसमें दर्ज है समीर दाऊद वानखेड़े। तो ऐसे में जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, वानखेड़े ने साफ तौर पर कहा है कि अब इस मामले में जाति धर्म को लाया जा रहा है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए समीर वानखेड़े के ऊपर किस तरह से लगातार एनसीबी के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया वो कहीं ना कहीं अब हिस्से में नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक ने कई दिनों से यानी कि ड्रग्स मामले से ही लगातार वह आरोप की लगाए हुए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एनसीबी की कार्रवाई बोगस है, गलत है, उसको लेकर वह उन्होंने लगातार एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे किए। फिलहाल अब यह खुलासा यहाँ तक पहुंच गया है कि एनसीबी के तमाम जो बड़े उच्च अधिकारी है उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए एक कमेटी गठित किया। वह कमेटी अब जांच करेगी कि आखिर समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही है गलत है। फिलहाल जो अनन्या पांडे से जो आज तलब किया गया था उस समन को रद्द कर दिया गया, यानी कि अनन्या पांडे जो है वानखेड़े उसकी पूछताछ नहीं करेंगे, यानी कि वो एनसीबी दफ्तर नहीं जाएंगे। जी
क्या लगता है सत्य प्रकाश, कहीं ना कहीं अब घिरते नजर आ रहे हैं? ये जो आप बता रहे हैं कि अनन्या पांडे को बुलाया गया था, समन रद्द कर दिया गया है, तो क्या ये नवाब मलिक के उठाए गए सवालों के बाद ये एक्शन लिया गया है, ये कदम उठाया गया है, या फिर कोई और बात है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार एनसीबी के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, खासकर जो रक्त कुछ मामले में पंच बनाया गया था प्रभाकर साहिल, उन्होंने सीधे तौर पर हलफनामे में कहा है कि ड्रग्स कुछ मामले में 25 करोड़ की डील हुई थी, जिसमें वह खुद एक कार में बैठे हुए थे, वहां जो है डील की बात चल रही थी। इस डील में केपी गोसावी सहित शाहरुख खान की मैनेजर भी मौजूद थी, जिसमें बताया गया था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील तय की गई थी, जिसमें एक डिसीजर नाम के शख्स ने इस डील को 18 करोड़ में फाइनल होने की बात कही थी। इसमें 8 करोड़ का समीर वानखेड़े को देना पड़ेगा, यह भी बात कही थी। इस तरह का खुलासा उन्होंने अपने हलफनामे में किया है। दूसरी अहम बात, पंचनामा के दौरान उन्होंने बताया कि 10 कोरे कागज पर समीर वानखेड़े ने उनसे साइन करवाए थे, जरा धमका कर। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा खुलासा, इसको लेकर कहीं कहीं समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ने वाली है। प्रकाश, अभी सुन रहे थे जिस तरीके से कि मलिक साहब ये कह रहे थे कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े, दरअसल लगातार इनका भ्रष्टाचार से जुड़ाव रहा, नाता रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी पर भी एक बड़ा आरोप लगा है कि बिल्डर के नाम पर उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने आरोप लगाए हैं उनके परिवार पर। हालांकि आज अगर सुबह का एक ट्वीट देखा जाए तो समीर वानखेड़े की पत्नी ने एक ट्वीट किया है कि जब आप लहरों के विपरीत चलते हैं तो आप हो सकता है डूब जाए, लेकिन जब आपके साथ भगवान होता है और आप सच के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो आप कितना भी लहरों के विपरीत तैरें लेकिन आप डूबेंगे नहीं, सत्यमेव जयते। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब इस लड़ाई में समीर वानखेड़े की पत्नी भी सामने खुलकर के मैदान में आने वाली हैं। बिल्कुल योगेश जी, देखिए पिछले दिनों समीर वानखेड़े की बहन को लेकर भी एक सवाल खड़ा किया गया था, जिसमें बताया गया कि समीर वानखेड़े की बहन जो पूर्व सेना है, सेना के अधिकारी थे फ्लेचर, उनके साथ जोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि सेना के जो अधिकारी फ्लेचर है वो लगातार समीर वानखेड़े के हर जांच में शामिल हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने एक बात क्लियर साफ करते हुए कहा था कि समीर वानखेड़े अच्छा काम करते हैं और जब वो अच्छा काम करते हैं वो उनके साथ खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सेना में भर्ती हुई थी इस दौरान तिरंगे के सामने उन्होंने शपथ ली थी, वो हर अच्छे काम के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ समीर वानखेड़े के बहन बल्कि उनकी माँ के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे हैं। जैसा कि अभी नवाब मलिक साहब ने कहा है कि समीर वानखेड़े ने जो सर्टिफिकेट लगाया है वो बोगस सर्टिफिकेट है, यानी कि शुरुआती दौर में उनसे नौकरी से लेकर उनकी जांच के ऊपर भी हम लगातार सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस जांच को कहां तक ले जाया जाएगा और यह जांच कहां खत्म हो जाएगी, यह मेरा जो है अब कहीं नहीं, एनसीबी के तमाम जो जांच कमेटियां बनाई गई वो निर्भर करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए, तो जिस तरीके से समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार लगाई जा रही है।